नमस्कार, एसवी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में स्वरों ए ई आई ओ यू की ध्वनि का अभ्यास के बारे में पढ़ा। आज हमें ये दिया गया है यहाँ एक साथ, जैसे ए पर कुछ स्पेलिंग है और उसके बाद ई पर, आई ओ और यू पर, इन सभी पर अलग अलग जो कॉलम है उनमें स्पेलिंग दी गई है। उनके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ऑफ फोनिक साउंड ऑफ वोवल ए ई आई ओ यू, इन सभी के लिए हमें प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस किस में करनी है? बोलने के लिए क्या करना है? बोलना है। तो आपको ये सब मेरे साथ साथ बोलना है। जैसे ए पर ए की आवाज़ आने वाली स्पेलिंग, हमें सिर्फ ध्वनि का अभ्यास करना है। हमें सिर्फ क्या करना है? ध्वनि का अभ्यास। अलग अलग स्पेलिंग को याद नहीं करना है, क्योंकि ये सभी स्पेलिंग है, जैसे फैन है, वैन है, कैप है, ये आ चुकी है आपके और कुछ आगे के पाठों में आ जाएगी। तो ये आपको सिर्फ एक बार ध्वनि का अभ्यास सीखना है। जैसे ए की ध्वनि का अभ्यास है, इसमें क्या है? मैट, पैट, हैट, फैन, वैन, आगे है कैप, मैप और बैग। इन सब में क्या है? ए की आवाज़ है, वो हमें ए की साउंड है, वो सुनाई पड़ती है। इसी प्रकार ई की ध्वनि वाले शब्दों में गेट, सेट, पैन, हैन, लैग, पैग, बैट और रेट। इनमें हमें जो बोलते हैं स्पेलिंग, तो ई की जो ध्वनि है, ई की ध्वनि निकलती है। तो ये सब ई स्वर, स्वरों में जो ई शब्द है उसकी ध्वनि वाले ये जो शब्द हैं। उसके बाद आई है, जैसे पिन, ई, आई, आई इसमें बोलने को आ रहा है। जैसे पिन, बिन, निप, चिप, डिग, बिग, सिट और पिट, इन सब में कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है? आई की ध्वनि सुनाई दे रही है। इसी प्रकार ओ में देखिए, टॉप, पॉप, फॉग, लॉग, गॉड, ट्रॉट, कॉट और गॉट, इन सब को अगर हम बोलते हैं तो किसकी ध्वनि सुनाई देती है? ओ की। किसकी ध्वनि सुनाई देती है? ओ की, क्योंकि सभी में ओ स्पेलिंग के स्पेलिंग जो है इनके बीच में ओ की जो बीच में आवाज़ है, साउंड है, वो आ रही है। इसी प्रकार आगे किसकी आ रही है? यू की। किसकी आ रही है? यू की। मग, जग, कट, नट, सन, गन, कब और रब। इसमें हम अगर बोलते हैं तो हमें जो साउंड आती है वो यू की साउंड आती है। इस प्रकार हमने ए, ई, आई, ओ, यू की ध्वनि के अलग अलग कॉलम जो दे रखे हैं, इनमें दी गई स्पेलिंग को हमने पढ़ा। इनमें से इनका हिंदी अर्थ है वो आपको आगे जैसे जैसे स्पेलिंग आपके लेसन के अनुसार आती जाएगी आपको करवाते जाएंगे। और लगभग आधी स्पेलिंग ऐसी है, जैसे लेग है, हैन है, पेन है, बेड है, रेड है, ये आपके हो चुकी है और बाकी होगी। इसमें सिर्फ आपको ध्वनि यानी कि बोलना सीखने के ही अभ्यास का ही पाठ है ये। तो ये सब है, ये सब तो आप क्या करेंगे?
बोलना सीखेंगे और उसके बाद इसे भी आप बोलना सीखेंगे। तो नीचे जो दिया गया है ये आपका वर्क होगा, ये क्या होगा, आज का वर्क होगा। कहाँ से लेके, यहाँ से लेके नीचे तक, पूरे पेज तक। आगे देखिए बॉक्स में दिया गया है डैम, गैस, टैक्स, वैक्स, जेट, पैट, टैन, रेड, डिप, हिट, फिट, टिन, कॉ, पॉड, लॉर, डॉ, फन, रन, बट, हट। इन सब में आपको क्या अंतर लगा है बताइए, आपने इन सब में क्या अंतर पाया है। इसमें अलग अलग दिखाया गया, जैसे ये जो चार स्पेलिंग है, शुरू की चार स्पेलिंग में क्या दिया गया, चारों में ए, बीच में देखिए क्या दिख रहा है, ए, जैसे डैम, गैस, टैक्स, वेथ, इन सब में हमें क्या दिखाई दे रहा है, ए। इसी प्रकार आगे दिख रहा है ई, 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 चार स्पेलिंग दे रखी है, इन सब में बीच में हमें क्या दिख रहा है, ई। तो इसमें ई की ध्वनि सुनाई पड़ती है, किसकी ध्वनि सुनाई पड़ती है, ई की ध्वनि सुनाई पड़ती है, जैसे जैक, पैट, टैन और रे, इन सब में क्या सुनाई पड़ता है, ई, और ई के बाद में आई। जिस प्रकार बॉक्स में था पहले ए, फिर ई, फिर आई, उसी प्रकार इसमें भी तीन नंबर पे आई दे रखा है, उसी प्रकार इसमें भी आई दे रखा है, जैसे डिप, हिट, फेक और टिन। देखिए ये चार स्पेलिंग जिनमें आई की स्वर ध्वनि ही सुनाई पड़ती है। उसी प्रकार आगे है ओ, कॉप, पॉड, लॉट और डॉट, इसमें ध्वनि आपको किसकी सुनाई पड़ती है, ओ की। जिस प्रकार कॉलम में चौथे नंबर पर ओ दिखाया गया है, उसी प्रकार आपको यहाँ भी ये चारों स्पेलिंग जो है वो दिखाई गई है, बीच में इनकी क्या है, देखिए इन सब में बीच में क्या दिया गया है, बीच में दिया गया है ओ, कॉप, पॉड, लॉट और डॉट, तो बीच में क्या आ गया, ओ। इसी प्रकार आगे जिस प्रकार कॉलम में यू दिया है लास्ट में, उसी प्रकार यहाँ की लास्ट जो चार स्पेलिंग है इनमें भी यू दिया गया है, फन, रन, बट और हट। तो इन सब में किसकी स्वर ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है, तो प्यारे बच्चों हमें इसमें यू की स्वर ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसी प्रकार फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, ई, आई, ओ और यू, कि जिस प्रकार हमने यहाँ हमने ए, ई, आई, ओ, यू इन स्पेलिंग्स के बीच में जो भरी हुई देखी है, उसी प्रकार जो रिक्त स्थान दिए गए हैं इनमें भी आप इसी प्रकार भरें, कि इनमें से रिक्त स्थानों में ए, ई, आई, ओ और यू इनमें से छांट करके भरना है। जैसे पहली स्पेलिंग है आपकी बुक में, इसमें यहाँ खाली स्थान है और खाली स्थान में कुछ भी नहीं भरा हुआ, जैसे एम, एम के बाद में खाली स्थान है, फिर पी लिखा हुआ है, तो यहाँ आप क्या भरेंगे, ए। मैप, इसी प्रकार बैट, जैम, डैम, है, डैम, पुल, लोट, सिट, काउ, डोग, फोग, टब, बस और लोग।
तो ये स्पेलिंग्स आपको यहाँ से लेकर के ये जो तीन लाइनें दे रखी है ये आपको अपनी कॉपी में वर्क करना है। वैसे आपको बताया गया है कि कौन कौन सी लाइन में क्या अक्षर आएगा, तो आप भी अपने बड़े भैया दीदी या गार्जियन की सहायता से और इस काम को साफ साफ सुंदर सुंदर कॉपी में लिखेंगे। देखते हैं कि आप बुक में से जब अपने आप से कॉपी में चार लाइनों की कॉपी में लिखते हैं तो कैसा लिखते हैं। ये जब हम आपके घर पे आपकी कॉपी जांच करने आएंगे तब देखेंगे। वैसे मैं आपको हमेशा बोर्ड पर चार लाइनें खींच के कराती हूँ, लेकिन इस बार ऐसे मैं सीधा कराऊंगी ताकि पता चले कि आप बिना बताए और अपने आप से चार लाइनों की कॉपी में कैसे काम करते हैं। तो ये आपकी एक दो और तीन लाइनें हो गई। तीन लाइन में एक एक लाइन में चार चार स्पेलिंग है। तो एक दिन आपके ये इसका वीडियो जाता है, दूसरे दिन और भी सीखा जाता है, तो इसलिए आप अगर चाहें तो दो लाइन एक दिन कर लें और एक लाइन एक दिन कर लें, ऐसे करके आप इस काम को पूरा करें। तो प्यारे बच्चों, आपको जो स्वरों की ध्वनि के बारे में कराया गया है उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और नीचे जो ये दी गई लाइनें हैं इसका आप क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो इसको सुंदर सुंदर लिखना है व याद करना है। इसके बाद आगे की वीडियो में यूज ऑफ ए एंड एंड ये करवाएंगे। आज आपको पेज नंबर 14 तक कंप्लीट करा दिया है, तो आप पहले इस काम की तरफ ध्यान देंगे और शायद आपके घर भी जैसे आपकी कॉपियां चेक करने सर आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो वे आएंगे, इसलिए अपने काम को कंप्लीट करें। प्यारे बच्चों, थैंक यू।